जाएंगे और वहीं पर हम लोग होंगे, तो उससे पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड की सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक से कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनका पारित होना जरूरी है, कई ऐसे फैसले हैं जो लिए जाने जरूरी है, उन्हीं तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए आज ये बैठक बुलाई गई है। लेकिन कहा जा रहा है कि उसमें आपके नाम पर भी मुहर लगेगा हाजीपुर से चुनाव लड़ने को लेकर। जैसे मैंने कहा, तमाम ये सारे विषय हैं, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी और जो जो फैसले लिए जाएंगे वो साझा किए जाएंगे। आपके पार्टी के प्रत्याशियों की सूची का भी लोग इंतजार कर रहे हैं बिहार में कि कब आएगा सूची। मुझे लगता है बहुत जल्द, क्योंकि पहले फेज के अब नामांकन भी शुरू हो रहे हैं, तो ऐसे में और पहले फेज में जमुई लोकसभा का भी चुनाव है, तो उसको लेकर भी जल्द ही मुझे लगता है 4-5 दिन के भीतर ही सूची सामने आ जाएगी। हाजीपुर से आपको चुनौती देने के लिए तैयारी हो रही है, पूर्व केंद्रीय मंत्री कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, आपको क्या लगता है? कोई दिक्कत नहीं है, देखिए चुनौतियों से ना मैं कभी डरा हूं ना घबराया हूं, मैंने हमेशा हर चुनौती का डटकर सामना किया है, इसीलिए आज मैं यहां पर मौजूद हूं। नहीं करता तो परिस्थितियों ने तो मुझे समाप्त करने का प्रयास किया ही था। बहरहाल हर चुनौती के लिए मैं तैयार हूं, भविष्य के घर में है, कौन सामने से आते हैं नहीं आते हैं ये फैसला उन्हीं को ही लेना है।